राजधानी देहरादून में सीएम धामी ने बार एसोसिएशन दून के अधिवक्ताओं से चेंबर्स भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि बार एसोसिएशन दून के अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बार एसोसिएशन देहरादून में 5500 से अधिक अधिवक्ता कार्यरत हैं, जिनके लिए अब 1500 चेंबर वाला 9 मंजिला भवन बनाया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करने का काम किया जाएगा, जो हमारी सरकार का संकल्प है। इसी दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि नए भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुदान की मांग की है, क्योंकि नए भवन की कीमत 90 करोड़ आकी गई है और इसके लिए सीएम धामी ने नए भवन निर्माण को लेकर बार एसोसिएशन को आश्वासन दिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं नहीं, देखिए जो नए कानून देश के अंदर लागू हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके लागू होने के बाद देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया में जो कुछ और सुधार की आवश्यकता थी वो सब सुधार हुए हैं। डिजिटल माध्यम से, अन्य माध्यम से, और जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी लगती थी वह भी जल्दी होगी। और मैंने आज यहाँ भी निवेदन किया है कि जो हमारे यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे मामले लंबित हैं, तो जल्दी से जल्दी निस्तारित हों, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।